हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्प्रेड हैप्पीनेस। आज हम आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं जो कि है सर्दियों में बनने वाली कढ़ी। तो चलिए सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई में हम डालते हैं तेल। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा उसको गर्म होने देंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे हम जीरा और धनिया। चलिए अब इसमें डाल देते हैं हम जीरा। गैस अब जो है हमने जीरा इसमें डाल दिया है और हमारा तेल भी थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया। अब हम इसके बाद डालेंगे इसमें साबुत धनिया हमने डाल दिया है। इसको थोड़ा चटकने देंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना जो हमने लहसुन बारीक काटा हुआ है उसको अब हम डालेंगे। ये हमने डाला अपना लहसुन, और लहसुन के साथ ही ये आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन ग्रीन लीव्स, ये है करी पत्ता। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डालें, अगर फ्रेश नहीं है तो इनको सुखा के, मैं इनको सुखा के डाल रही हूँ, आप इनको ऐसे भी डाल सकते हैं। थोड़ा इसको हिलाएंगे, और इससे पहले शुरू जब मैंने कढ़ी बनाना शुरू किया था तो उससे पहले मैंने दही में थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच जो है बेसन मिला लिया था ताकि हमारी जो कढ़ी है वो अच्छी बने। तो इसमें जो हमारी कढ़ी दही है इसमें आप ऐसे इसको हिलाएं ताकि इसमें एक भी लंक्स जो है वो ना बचे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इसको 10 से 15 मिनट आप ऐसे ही बेसन को मिला के जो है साइड में रखते। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना प्याज, हम प्याज डाल देंगे, इसको अच्छे से भूनने देंगे। प्याज का कलर जो है थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, जो कि सबसे पहले हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी। कुछ लोग जो है हल्दी को पहले ही दही में डाल देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं इसको जब हमारा प्याज जो है ब्राउन होता है मैं उस समय डालती हूँ ताकि हल्दी जो है कच्ची ना रह जाए और इससे खांसी होने का डर भी ना रहे। तो इसलिए आपकी हल्दी जो है वो बाद में डालें, बाद में यानी कि प्याज भुनने के बाद डालें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर, हम मिर्च थोड़ी ज़्यादा खाते हैं तो हम लोग ने थोड़ी सी ज़्यादा मिर्च डाल रही हूँ। इसके बाद आते हैं अपना मसाला, जो कि है घर का बना हुआ मसाला, इसको हम डालेंगे। बस इसको 1 से 2 मिनट तक हिलाएंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। कुछ लोग प्याज टमाटर डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं, लेकिन मैं टमाटर डालती हूँ। तो मैं एक छोटा सा टमाटर लूँगी जिससे कि इसकी खटास जो है वो बनी रहेगी कढ़ी की। चलिए छोटा सा टमाटर मैंने लिया है। इसके बाद हम डालेंगे टमाटर डालने के बाद डालेंगे नमक, जिससे कि ये अच्छे से गल जाए टमाटर। नमक जो है आप अपने स्वाद अनुसार डालें, और कोशिश करें कम नमक खाने की, क्योंकि ज़्यादा नमक सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही हिलाते रहेंगे। आपने देखा हमारा जो मसाला था, जो तड़का है, वो अच्छे से भुज गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी बेसन वाली दही, और बेसन में जरा भी गांठ नहीं रहनी चाहिए दही में। तो चलिए अब डालते हैं इसमें। ये हमने अच्छे से मिला ली है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और 15 से 20 मिनट इसको जो लो फ्लेम होती है उसमें रखेंगे, और उसके बाद ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और लास्ट में भूलेंगे नहीं धनिया, बहुत सारा धनिया जो है इसमें डालेंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। तो चलिए मिलते हैं आपको लास्ट में। सो हियर वी गो, हमारी कढ़ी बन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, और धनिया डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करिएगा, क्योंकि धनिया जो है ये लास्ट में जो टेस्ट देता है ना, ये बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो, ये रेसिपी जो है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।